नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रों के लिए एक मैं आज थोड़ी डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसमें हम आलू के कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन इसमें हम पनीर भी डालेंगे, इसलिए बहुत हेल्दी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत फटाफट ये कोफ्ते बन जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को। तो देखिए, इसके लिए मैंने 4 बॉईल आलू लिए, उन्हें इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और यहाँ मैंने 100 से 150 ग्राम यहाँ पनीर लिया, उन्हें भी मोटा मोटा क्रश करके डाला है। थोड़े से काजू लेंगे टुकड़ी में, और किशमिश है, हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, थोड़ी सी हम इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ा धनिया काट के डाला है, काली मिर्च है और नमक है, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन्हें हम मिला लेंगे, तो बहुत मैश नहीं करना है, थोड़ा आलू और पनीर हमें मोटा मोटा ही रखना है। तो इस तरह से हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। और देखिए, इस तरह से हम इसको हाथों से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स की साइज़ आप देख लें आपको कैसी बनानी है, बस ध्यान रखें आलू और पनीर बहुत मैश ना हो। तो देखिए, इस तरह से हमारी कोफ्ते की बॉल्स रेडी हो गई हैं। और यहाँ मैंने राजगिरा का आटा लिया है, ये लगभग 100 ग्राम आटा है। और इसमें थोड़ा सा यहाँ अरारोट पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में अरारोट पाउडर खाते हैं तो ये डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा हम सॉल्ट लेंगे, सेंधा नमक, हरा धनिया डालेंगे और इसे मिला लेंगे हम। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो ध्यान रखें आप पानी थोड़ा थोड़ा डालें, हमें बहुत पतला नहीं करना है इसे। आप इसके बदले कुटू का आटा भी ले सकते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो इस तरह का हम गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारी बॉल्स भी रेडी हैं और बैटर भी। तो आइए अब बनाते हैं इसे हम। तो यहाँ मैंने मूँगफली का ऑयल गर्म किया है, और तेल को आप अच्छे से गर्म करें। और बैटर में देखिए, इस तरह से हम ये कोफ्ते डालेंगे, और चारों तरफ हम बैटर को इस पे लपेट लेंगे इस तरह से, चम्मच से डालते हुए। तो ये आप राजगिरा में बना ले, कूटू के आटे में, जिसमें भी आप खाना चाहें सिंघाड़े के आटे में बना सकते हैं। और इस तरह से बॉल्स हम कोट करके गरम गरम तेल में डाल देंगे, और इन्हें इस तरह से चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। थोड़ा तेल हम ऊपर से डालेंगे और चम्मच से इन्हें मिलाते रहेंगे। तो 4 से 5 मिनट में ये गोल्डन कलर की हो जाएंगी। तो ऊपर से बहुत ही क्रिस्प होगी और अंदर से सॉफ्ट से होंगे, बहुत ही टेस्टी है। कोफ्ते देखिए बनकर रेडी हैं। हम बाकी के कोफ्ते भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। तो बहुत टाइम देखिए इसमें नहीं लगा है, फटाफट से ये टेस्टी और हेल्दी पनीर है, ड्राई फ्रूट है, तो हेल्दी कोफ्ते रेडी हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, इन्हें आप चटनी या रायते के साथ खाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।